जरूर है, उसकी आहट, उसकी प्रेजेंस मैं फील कर सकता। उनमें से एक पीस अपने आप ऐसे उड़ के जमीन पे गिर गया। तो ये सब देख के हम बहुत डर गए थे। कहाँ है तू? मैं जानता हूँ that you're here. बॉलीवुड एक्टर्स पर्दे पर एक से बढ़कर एक रोल निभाते हैं। कई बार अपने एक्टिंग को साबित करने के लिए ये स्टार्स लीक से हटकर रोल निभाना पसंद करते हैं। कुछ किरदारों में से एक है भूत का किरदार, जिसे निभाकर स्टार्स ने फैंस को डरा तो दिया, लेकिन ऐसे कई स्टार्स हैं जिन्हें फिल्म सेट्स पर भूत होने का एहसास हुआ है। डर, अंधेरा और किसी अनोखी ताकत के एहसास का खौफ का सामना फिल्म की शूटिंग के दौरान कई कलाकार और यूनिट के लोग कर चुके हैं। वो कौन से सेलेब्स हैं आपको बताते हैं। रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं था। रणवीर ने खुद इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया है। उन्होंने अपने शूटिंग स्केड्यूल के दौरान पेशवा बाजीराव का भूत देखा था। इस बारे में उन्होंने रिपोर्टेडली कहा था, मैं इस घटना से पहले भूतों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे सच में लगता है कि मैंने बाजीराव का भूत एक बार देखा था। डेक्कन क्रॉनिकल की खबर के मुताबिक रणवीर सिंह ने उस घटना को याद करते हुए कहा, मैं इसे शूट के सबसे मुश्किल दिनों में से एक के रूप में याद करता हूँ। मैंने सोचा कि मुझे किसी प्रकार की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने सोचना शुरू किया कि क्या होगा अगर मैं उनके भूत का सामना करूंगा और उनकी आत्मा से जुड़ जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों सोचा, लेकिन उसके अगले कुछ हफ्तों में मुझे महसूस हुआ कि ये वाकई में हुआ था। सेट्स पर एक काली दीवार थी जिसमें कुछ सफेद धूल थी। उसमें बाजीराव की आकृति बन गई थी। उसमें पगड़ी, आंखें, नाक और बाजू बने थे। सभी समानताएं दिख रही थी। हाँ, ये मेरे दिमाग का फितूर हो सकता है, लेकिन ये एक बेहद स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। मैं ऐसा नहीं हूँ जो भूतों पर विश्वास करे, लेकिन मेरे पास मेरे अंधविश्वास के मोमेंट्स भी है। गोविंदा ने एक बार बताया था कि उन्हें भूतों से डर लगता है। उन्होंने अपनी बात शेयर करते हुए एक इंटरव्यू में बताया, एक बार मैं एक पहाड़ी इलाके में शूटिंग कर रहा था। मैं जिस होटल में रह रहा था वो काफी अजीब था। आधी रात को मैं जब उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरे सीने पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। मैं झट से उठा और बेड के नाइट लैम्प को ऑन किया, और जैसे ही लाइट ऑन हुई वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने देखा कि कमरे में उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। इस घटना के बाद वो रात में बहुत डरने लग गए थे। रिपोर्टेडली उन्होंने अपना इलाज भी करवाया था। अभिनेत्री अदा शर्मा, जो अक्सर बड़े पर्दे पर अपने डरावने रोल से लोगों की चीखें निकाल देती हैं, वो खुद भी अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कर चुकी हैं सुपरनैचुरल चीजें एक्सपीरियंस। उनके मुताबिक यॉर्कशायर के एलर्टन कैसल में एक पोर्ट्रेट लगी हुई थी जो ठीक उनकी शक्ल से हूबहू मिलती थी। उस किस्से को याद करते हुए अदा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में बताया, देखभाल करने वालों ने हमें कहानियों के बारे में बताया कि कैसे हाउसकीपर की पत्नी जो मर चुकी थी उस महल को डराती है। जब हम वहां पहुंचे तो हमने उसकी विशाल तस्वीर को दीवार पर लटकी हुई देखी, और जिस तरह से उस महिला की शक्ल मेरी शक्ल से हूबहू मेल खा रही थी वो इतना असत्य और क्रेजी था कि मैं वास्तव में डर गई थी। लेजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो वो हॉन्टेड घर में शिफ्ट हो गई थी। उन्होंने बताया था कि वो मुंबई में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। उस वक्त जब वो एक नए घर में शिफ्ट हुई तो हर रात उन्हें भयानक अनुभव होते थे। हेमा मालिनी ने बताया था, हर रात उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर खुद का नया घर खरीदा था। मुंबई के मुकेश मिल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माओं का वास है। ये हॉरर फिल्मों की शूटिंग के लिए फेमस जगह है। बिपाशा बासु स्टारर फिल्म गुनाह की शूटिंग भी यहाँ हुई थी। उस वक्त बिपाशा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश मिल के कमरे में शूटिंग के दौरान वो अपने डायलॉग्स बार बार भूल रही थी, लेकिन वही डायलॉग्स उन्हें मिल के दूसरे कमरे में याद थे। वही एक बार मुंबई के ठाकुर कॉलेज में जब बिपाशा बासु फिल्म आत्मा की शूटिंग कर रही थी, तब एक फोटो फ्रेम अपने आप ही जगह से सरक गया था।
जिससे वो काफी डर गई थी। लास वेगास में एबीसीडी 2 की शूटिंग के दौरान वरुण धवन ने भी पैरानॉर्मल चीजें एक्सपीरियंस की थी। शूटिंग स्केड्यूल के दौरान वरुण फ्रैंक सिनाट्रा के फेवरेट स्वीट में ठहरे हुए थे। उस दौरान उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, इस बारे में उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया। ये निश्चित रूप से हॉन्टेड था, क्योंकि रात में मैं किसी को गाते हुए सुनता था और दरवाजे अजीब तरह से खुलते थे। जानवी कपूर ने भी अपना एक्सपीरियंस बॉलीवुड नाउ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शेयर किया है। क्या हुआ था, मेरे दूसरे दिन के शूटिंग पे, दूसरी दिन थी, एक सीन है वो शायद ट्रेलर में भी है, जहाँ मैं ब्रेड उठा के खा रही हूँ। तो वो शॉट हम कर रहे थे, मैंने एक पीस ब्रेड उठा लिया और फिर ज़मीन पे जो बाकी ब्रेड के पीसेस पड़े थे उनमें से एक पीस अपने आप ऐसे उड़ के ज़मीन पे गिर गया और किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, और ये कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ था। तो ये सब देख के हम बहुत डर गए थे। फिल्म डिबुक द कर्स इज रियल के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर इमरान हाशमी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। टेल मी समथिंग, दिस सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, डू यू बिलीव इन दिस? हैज इट एवर हैपेंड टू यू इन रियल लाइफ और इज इट समथिंग दैट इज ओनली इन द मूवीज? आप ये पूछ रही हैं कि भूतों को लेकर मुझे विश्वास है कि नहीं? जी हां। नहीं होता तो ऐसी फिल्में नहीं बनाता मैं। आई वुड से आई एम अ बिट 50-50. आई एम नॉट एडिंग इट इनफ टू से दैट गोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट बिकॉज़ आई डोंट नो. It's when you, the age-old thing that if you've not seen it, doesn't mean it doesn't exist. I hope they exist for the sake of my films. So I'm kind of torn. I'm a little skeptical. At the same time, I want to be a believer. जब इन्होंने कहा कि पूछा कि क्या मैंने भूत देखा है, मैंने actually देखा नहीं सुना है. जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी मॉम एक प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन थी और वो मुझे चर्च लेके गई थी एक सर्मन के लिए, और उस दिन फॉर सम रीज़न सर्मन नहीं हो पाया. हमें बताया गया था बाहर कि अंदर एक एक्सोसिज्म परफॉर्म हो रहा था. जो प्रीस्ट हैं उस चर्च के, जो हेड प्रीस्ट हैं, एक एक्सोसिज्म परफॉर्म कर रहे हैं. आई थिंक मैं 7 या 8 साल का होऊंगा तभी, और मुझे आज भी वो आवाज़ याद है. मैं ये नहीं कह सकता हूँ दावे से कि वो आदमी था या औरत थी, लेकिन बहुत ही डरावनी आवाज़ थी. इट वॉज अ पर्सन इन पेन. अभी लॉजिकली साइंटिफिकली आप कह सकते हैं कि ये क्या मजाक है, ये प्रॉब्ली इट इज़ सम काइंड ऑफ डिरेंज्ड माइंड और फ्रैक्चर्ड माइंड और जो भी. लेकिन एक्सरसिज्म्स होते हैं और ये एक तरह से एक बहुत ही डीप इम्प्रिंट छोड़ गया है उस उम्र से. तो मैंने हमेशा, इसलिए जब इन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आई ऑसलेट बिटवीन स्केप्टिसिज्म और बिलीफ. मैंने असलियत में कभी भूत देखा नहीं है, देखना चाहता हूँ. आई डेफिनेटली वांट टू. आई एम अ मेजर हॉरर फिल्म फ्रीक. वेल, भूत है या नहीं इस पर विश्वास करना ना करना आप पर है, लेकिन क्या इन स्टार्स के किस्सों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हुए? बताइए हमें कमेंट्स करके.